शिक्षा और ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता, ये अनमोल है और अपने तेज से बेमोल पत्थर को भी कीमती रत्न में बदल देती है। शिक्षा में अपार शक्ति विद्यमान है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। सर्व शिक्षा की राजधानी काशी, जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी जानी जाती है, इसी नगर का एक छोटा सा गांव पुआरी खुर्द, यहाँ का प्राथमिक विद्यालय सांस्कारिक ज्ञान का स्रोत बनकर उभर रहा है। ये प्राइमरी स्कूल आज वाराणसी के मॉडल स्कूलों की श्रेणी में शामिल है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब इस प्राथमिक विद्यालय की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार से इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम की मान्यता प्राप्त है। सरकार की योजना आई, हर ब्लॉक से 5-5 हिंदी माध्यम के जो प्राइमरी के विद्यालय, उसको अंग्रेजी में करना, तो उसमें हमारा विद्यालय भी चुना गया। एक सत्र में ही 140 का नवीन नामांकन होना और उसमें भी लगभग 70-80% प्राइवेट स्कूल के बच्चे आए हैं, तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस विद्यालय में ये बदलाव आया कहाँ से, आइए जानते हैं। समाज सेवी सत्य प्रकाश आजाद ने इस विद्यालय को बदलने का बीड़ा उठाया और गांव के प्रधान और विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिलकर स्कूल को आधुनिक और प्रभावशाली बनाने की पहल की। सत्य प्रकाश जी ने सबसे पहले विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग और एयर इंडिया को इस विद्यालय से जोड़ा। 2015 पंचायत चुनावों के बाद पुआरी खुर्द गांव को आज़ाद हिंद मंच ने गोद लिया। मकसद था कि देश की 70% आबादी गांव में रहती है, इसका विकास हो, और जो मूल होता है कि जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगी, जब तक बच्चे बेहतर नहीं होंगे, तब तक मजबूत समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमने पुआरी खुर्द प्राथमिक विद्यालय पर काम करना शुरू किया। आर्ट ऑफ लिविंग ने दो गाँव गोद लेने के लिए हमसे बात की, जिसके लिए एयर इंडिया CSR फंड से काम करना चाहता था। हमारे इस विद्यालय का नाम गया और एयर इंडिया ने रिकमेंड किया कि इस गांव की बेहतरी के लिए और विद्यालय की बेहतरी के लिए हम यहां पर काम करेंगे। गांव में और विकास के कार्य करने से पहले स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाए, जिससे छोटे बच्चों का निर्माण, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी हो सके। काम करने के पहले मैंने आज़ाद हिंद मंच के जो व्यवस्थापक के माध्यम से एयर इंडिया का सहयोग मिला, आर्ट ऑफ लिविंग का सहयोग मिला, ये सब स्कूल की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आज़ाद हिंद मंच के ही माध्यम से सबसे संपर्क हुआ है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो बहुत कमज़ोर देखने में आते थे, तो हम लोगों ने ये दायित्व लिया कि इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया जाए। एयर इंडिया ने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की। इसके बाद यहाँ के क्लासरूम की रौनक बढ़ी, बच्चों को बैठने के लिए टेबल बेंच, पढ़ाई को आसान बनाने वाली स्मार्ट क्लास, खेलने के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स के साजो सामान, स्वच्छ पीने के पानी के लिए RO सिस्टम लगाया गया। बच्चों के अंदर से ये खुशी होनी चाहिए कि मैं शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। अमूमन होता क्या था कि सरकारी स्कूलों में ज़बरदस्ती बच्चों को भेजा जाता था, लेकिन ये 1.5 साल का जो समय बीतता चला गया और बराबर हमारा ये स्कूल में जो आना जाना लगा है, उससे देखने में ये फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन तो मिल रही है, उसके साथ साथ उनका इंटरेस्ट भी शिक्षा के प्रति जागरूक बढ़ता चला जा रहा है, और माता पिता भी अब ये सोचने लगे हैं कि हमारा बच्चा अब रोज स्कूल जाने लग जाए। तो ये परिवर्तन, ये स्कूल को एक मॉडल की तरह बनाया गया। मेरा नाम अदिति तिवारी है, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। हमें ये स्कूल बहुत अच्छा लगा, के टीचर अच्छे हैं, यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है, दिन भर यहाँ पे पढ़ते हैं, खेलते हैं। यहाँ के टीचर हमें बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनकी पढ़ाई ज़्यादा है। कम से कम 10 स्कूल में हम अपनी बच्ची भविष्य के लिए देखें कि कहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है, कहाँ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही लड़की हमारे पास है और हम इसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। और कई स्कूल में तहकीकात किए, हर स्कूल से ज़्यादा यहाँ हमें अच्छा लगा। पहले तो शुद्ध हिंदी भी पढ़ने नहीं आता था, अब जो है कि इंग्लिश पढ़ लेती है, हिंदी भी पढ़ लेती है।
आज ये विद्यालय नई तकनीक से जुड़कर आधुनिक पद्धति के स्कूलों की दौड़ में शामिल हो गया है। इसका श्रेय यहाँ के अध्यापकों को भी जाता है, जो पूरी लगन से अध्यापन कार्य में जुटे हुए हैं। एयर इंडिया से हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई, तो बच्चों का झुकाव ज्यादा हो गया। तकरीबन 80% बच्चे प्राइवेट स्कूलों से यहाँ एडमिशन आए हैं। गांव के बच्चे वो चाहते हैं कि वो भी अंग्रेजी बोले, उनमें इच्छा है और ये प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है। और अब जो है, अगर सबका हार्डवर्क और सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली ये हमारे गांव के बच्चे पाँच छः साल बाद ये फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। और बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम लोग उनको राइम्स सिखा रहे हैं बॉडी गेस्चर से, पिक्चर्स दिखा करके, और बच्चे पिकअप कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है कि वो रेगुलर नहीं आते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि पेरेंट्स थोड़ा अवेयर हो जाएं कि उनके बच्चे रेगुलरली स्कूल आएं। जो प्राइवेट स्कूलों में शहरों के बच्चों को मिल पाता है, वो सुविधाएं, वो व्यवस्था बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के गांव को बच्चों को मिल सके। शनिवार को बच्चों का बाल सभा होता है, बाल सभा में बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ हम लोगों ने बच्चों को तरह तरह के कार्यक्रम करवा के उनको पुरस्कार देने का, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको अदर एक्टिविटी के साथ जोड़ा, अपने नुक्कड़ नाटक की टीम के लोगों को भेजा, ये बच्चों को नाटक और उनके जो अन्य क्रियाकलाप हो सकते हैं उनको विविध तरीके से नाटकों की तैयारी करा के उनके अंदर के प्रतिभा का प्रदर्शन, और आज बच्चे यहाँ पर ब्लॉक स्तर के प्रतियोगिताओं में स्थान पा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की देन है कि ये बच्चे आज अपनी क्षमता को जान और पहचान रहे हैं। कुछ इसी तरह का प्रयास यदि हर गांव में हो तो वो दिन दूर नहीं जब देश की तस्वीर बदल जाएगी। जो यूं ही बढ़ते रहे कदम, एक रोज मंजिल करीब आएगी। शिक्षा और ज्ञान का हो उजियारा चहु ओर, तो जिंदगी मुस्कुराएगी।